भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से मैच तो हरा दिया और अब भारतीय टीम सेमीफाइनल की दहलीज पर है। सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह ने किफ़ायती गेंदबाजी की, 3 विकेट चटकाए, तो वहीं सूर्यकुमार यादव ने शानदार 50 लगाई। इस जीत के कई मायने हैं। इस जीत के साथ अब भारतीय फैंस भी बहुत खुश हैं और लगने लगा है कि इस बार लगता है ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म हो जाएगा। फैंस तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है, लेकिन फैंस के सुर में सुर मिलाते हुए पूर्व क्रिकेटर और अपनी कमेंट्री से इस वक्त सुर्खियां बटोरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी फैंस के सुर में सुर मिलाए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार। उन्होंने जैसे ही जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखी, अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी देखी, कुलदीप की गेंदबाजी देखी, साथ ही साथ सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी देखी कमाल की, तो उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय टीम बहुत संतुलित नजर आ रही है। आपके ओपनर रन भले ही न बना रहे हों, लेकिन फिर भी आपका मिडिल ऑर्डर रन बना रहा है, ये अच्छे संकेत हैं। अब तक टीम इंडिया के लिए कहा जाता था कि आप पूरी तरीके से बल्लेबाजों पर डिपेंडेंट रहते थे, बल्लेबाज अच्छा करते थे तो टीम मैच जीतती थी, लेकिन इस बार गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज भी भारत की जो है जीत की बुनियाद तैयार कर रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव दोनों अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखने में सफल रहते हैं आखिरी मैच तक, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत वर्ल्ड कप ना जीत पाए। ये नवजोत सिंह सिद्धू का मानना है। आपको भी क्या लगता है कि सूर्यकुमार यादव और बुमराह का ये प्रदर्शन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता देगा या राह में कुछ रोड़े भी अभी अटक सकते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताइए।